और भाई गाड़ी की शक्ल देख रहे हो, पेड़ के चक्कर में ना पेड़ियां खड़ी करते पूरी गाड़ी पे, भैया मट्टी और पत्ते वत्ते पड़े रहते हैं। सफाई तो खैर कितनी बार कर लो, और वो मैंने साफ कर रखी है तो वो खड़ी है, मम्मी लेके जाएंगे। चल तो पहले अपनी गाड़ी में चलते हैं, मारते हैं गियर। चलो ये बात, चलो कैमरे लगाए थे सामने। शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत, ये देख रहे हो, मैं प्रेमी भाई। अरे अब शीशे पे कपड़ा मारो थोड़ी देर पहले, क्योंकि वाइपर से तो साफ होगा नहीं, काफी कुछ टाइम से खड़ी है इसलिए वाइपर से साफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो होता क्या है, अगर आप गाड़ी कुछ टाइम से खड़ी है दो चार दिन से और मट्टी सूख गई है, तो अगर सीधा वाइपर चला देगा तो वाइपर खराब हो जाएगा, ब्लेड कट जाते हैं उसके, इसलिए पहले एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है भाई। बैठता हूँ भाई, सबसे पहले दो चीज़ें चेक करता हूँ, सबसे पहले फ्यूल जो कि फुल ऑलमोस्ट फुल है, और दूसरा हवा। तो हवा और चेक कर लेते हैं अभी गाड़ी की। ये बात, ये खड़ी खड़ी गाड़ी हवा भी निकल जाती है ना, इसको हफ्ता दस दिन तो हो गए नहीं चलाई। हाँ उस दिन भंडारा गया था तब ले गया था गाड़ी, ओ बिल्कुल फिट है, स्टेपनी में है लो प्रेशर। चलो कोई बात नहीं, स्टेपनी कहीं पे रोक के करवा लेंगे। अरे बारिश तो चालू है हल्की हल्की भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये आजकल इतना उपद्रव चल क्यों रहा है। अभी कल भी कोई वीडियो देख रहा था बिहार विहार की, मतलब आज मतलब वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही काम हुआ जो नहीं होना चाहिए, नो टाइप में। एक ही भाई को देखो पर पीछे कर तो घुमा ले भाई, गाड़ी चलानी मुझे सिखानी पड़ेगी। मैं लोग गाड़ी ले तो लेते हैं, चलाने नहीं आती, बस गुस्सा इतना आता है कि खड़े होकर सकल का वेट करते हैं कि मेरे को मतलब खुद दूसरा गला अगला आदमी पीछे कर ले। ए बी सी डी खैर, तो नू वाली घटना भी हुई, अभी नू में जो घटना हुई थी उसके बाद एक और घटना हुई, इन सब में ना एक मैं पता नहीं, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट यार एक गुजारिश है मेरी अपने मुस्लिम भाइयों से, यार अगर आप लोगों ने देखा हो ना, तो ये सब चाहे पॉलिटिकल कह लो कुछ भी कह लो इस चीज़ को, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कहीं ना कहीं हमें ही उन सब चीज़ों के अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी को लेके। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जो भी हिंदू जो हैं, अगर आप देखो ना जब वो नूह में जो हम मतलब गदर कटा है जो, उसके बाद काफ़ी सारे लोग आह्वान कर रहे थे कि यार चलो मारते हैं काटते हैं ए विजड़ी करते हैं जो भी करना है उनके सालों को, उसमें हिंदू ही हिंदू के अगेंस्ट खड़ा है ये बोल के कि नहीं भैया तुम गलत हो। और यहाँ तक भी बोला गया है कि भैया ये हिंदू है ही नहीं, दंगाई जो है ठीक है, लेकिन किसी भी मुस्लिम पक्ष ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि भी ऐसा करने वालों ने जिसने भी किया है वो कुकर्म वो भी गलत है। ये चीजें एक तरफा तो नहीं हो सकती है ना कहीं, मतलब जो भी सज्जन इंसान है दूसरे पक्ष में, देखो मैं पक्ष विपक्षी बात मतलब मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं घुसना चाहता बेफालतू, मैं सिर्फ ये कहना चाहता है अगर हमें
प्यार प्रेम बना के रखना है एक दूसरे के साथ, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमारे घर में जो बच्चा गलत है ना, उसे कान मरोड़े जाए कि भैया तू गलत है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो यही एक मैसेज जाएगा कि नहीं भैया हाँ आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। और उसमें होगा क्या, फिर दूसरे लोग जो अपना जो नेतागिरी में जो बेनिफिट उठाना चाहते ना चीजों का, वो अपना उसका बेनिफिट उठाएंगे भाई, उसको आप रोक नहीं सकते फिर। क्यों? क्योंकि चाबी तो आप ही दिए ना बस। तो फिर तो मतलब मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि भाई अगर आपके घर का बच्चा बिगड़ा हुआ है तो आप उसे कान मरोड़ो, उसको समझाओ कि भैया ये करना गलत है, और हमारे घर का बच्चा बिगड़ेगा तो हम कान मरोड़ेंगे कि भैया तू गलत है। लेकिन आज की डेट हमारी साइड से तो फिर भी हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह रहा 100% हो रहा होगा, लेकिन 50% भी हो रहा है, 20% भी हो रहा है, वो भी ठीक है, शुरुआत तो है। आपके साइड से भी 1% भी नजर नहीं आता है। कृपया करके थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो एक अच्छी सोच रखते हैं, कम से कम वहीं से शुरुआत हो सकती है। बाकी मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे दिल में कुछ आया तो मैंने बोल दिया, क्षमा करें अगर आप लोगों को बुरा लगा तो। मैं बारिश होते मुझे ये नहीं पता गुड़गांव में लोग घूमने आ जाते हैं क्या, मतलब ये पिकनिक स्पॉट है भाई बारिश में घूमने का? पता नहीं गाड़ियाँ ज़्यादा क्यों जाती है बारिश में। तो मजाक मजाक अपन तो ऑफिस पहुँच गए, बात करते करते टाइम का सच्चे पता नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा पहुँचने में, समझ सकते ना, बहुत थोड़ा सा टाइम लगा बस, मतलब बहुत थोड़ा सा। रास्ते खाली पड़े हुए भाई, चारों तरफ से मेरी गाड़ी है, ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है। मजाक समझो भाई, रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, देख लो बिल्कुल खाली है रोड, ब्रेक मारने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे उड़ा उड़ा के ले आ रहा हूँ। लोगों ने मतलब मेरी गाड़ी देखते रास्ता खाली कर देते हैं बिल्कुल। देख लो पता नहीं मुझे रोड खाली क्यों दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि मतलब भीड़ है, पता नहीं मुझे रोड लोग खाली दिखाई दे रहा है बिल्कुल। गुड इवनिंग दोस्तों, ऑफिस के बाद जिम पहुंच गए थे, जिम करके अब निकले हैं, पूरी पसीना पसीना बॉडी है और अंधेरा तो ही आता है जब ऑफिस के बाद आप जिम जाते हो तो। और रास्ते में भयंकर वाला जाम, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं साइन करने के लिए, मतलब फोटोग्राफ लेने के लिए, कुछ भी बोल देता हूँ मैं वैसे। अब लग रही भूख बहुत तगड़े वाली, आप पता है ऐसे टाइम पे जब ऑफिस से निकलने के बाद फिर आप जिम जाते हो, जिम जाके थोड़ा पसीना बहाते हो, कुछ कैलोरीज बर्न करते हो या कोशिश करते हो बर्न करने की, भाई उसके बाद घर जाने का टाइम होता है। एक्चुअल में वो टाइम होता है जब खाना खाने का टाइम होता है, मतलब मैं अमूमन जल्दी खाना खा लेता हूँ, तो भाई पेट में ना चूहे छोड़ो बिल्लियाँ कूद रही हैं, बिल्लियाँ चूहों को तो मैं ही खा गया, फिर क्या होता है दिल करता है बाहर खा लो, फिर वो कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को यार, इतनी मेहनत जो करी है वो किस लिए करी है, बाहर ही खाना था तो। श्री राम ढाबा बहुत फेमस है भाई, श्रीराम ढाबा गुड़गांव में। हालांकि ये बात अलग है, आज की डेट में मैंने सुना उसका फ्लेवर मतलब उसका टेस्ट जो है वो पुराने वाला टेस्ट नहीं रहा। कर ले भैया फोकस भाई, कम से कम भी 1.5 किलोमीटर लंबा जाम, इसका मतलब सोचते हो, इसका मतलब है यहीं पे लग जाएंगे 15-20 मिनट तो। तुम तो निकलो भाई, तुम्हारे लिए तो रोक ही सकते हैं, कम से कम हम तो लेट हैं ही, क्या करें भाई। घर पहुंच गए आराम से और अपना अब चल रहा है सोने का प्रोग्राम, क्या कर सकते हैं, आने के बाद अब एडिटिंग करेंगे और फिर खाना ना खा लिया, नहा धो लिया, सोऊंगा भी। मैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके भैया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपसे बस यही प्यार चाहता हूँ और क्या। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना।